हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के संडे स्पेशल वीडियो में। सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरी बेटी जो हॉस्पिटल में एडमिट थी, अभी मैं उसको रिलीज करवा के ले आया हूं, लेकिन पूरी तरह से अभी ठीक नहीं हुई है। कई सारे जांच लिखे हैं, तो मैं अभी तुरंत ही उसको जाँच के लिए कई सारी चीज़ दे के आया हूँ। थोड़ा देर बाद मैं जाऊँगा उसका रिपोर्ट लेने के लिए, उसके बाद फिर डॉक्टर देख के बताया कि क्या प्रॉब्लम है, और फिर उसके लिए वो जो सोल्यूशन बताएंगे उसको करना होगा। इसके अलावा मैं और बता दूँ कि एक बच्चे के अनुसार, जैसा कि उस बच्चे ने बताया था कि सर जितने भी सब्सक्राइबर हैं जो व्हाट्सएप से आपसे जुड़े हुए हैं उनका एक ग्रुप बना दीजिए, और मैंने एक ग्रुप बना दिया, लेकिन मुझे लगा कि उसमें ज़्यादा टाइम लॉस्ट होगा। जो मेरे पास व्हाट्सएप है ऑलरेडी, मैं उसको भी उसमें ज़्यादा समय नहीं दे पाता हूँ। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो ज़्यादा समय दे पाते हैं उसमें, लेकिन मैं समय नहीं दे पाता हूँ, और मुझे लगा कि ज़्यादातर बच्चों का टाइम लॉस होगा, उनको पढ़ाई करने में समय देना है, इसलिए उस ग्रुप को मैंने डिलीट कर दिया। आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट संडे को ही मैंने एक टॉपिक दिया था जिसे मैंने बताया था कि आसान तरीके से, सबसे आसान तरीके से आप पैसा कैसे कमा सकते हैं। कई सारे स्टूडेंट होते हैं जो मुझे बार बार इस तरह के सवाल करते हैं कि सर सबसे आसान काम क्या है, कोई ऐसा काम बताइए जिससे कि ज़्यादा पैसे कमाए जा सके और उसमें कोई प्रॉब्लम भी ना हो। तो बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन कई बार मेरे मन में आया, लेकिन मैं कई सारा काम कर चुका हूँ। सबसे पहले मैं ट्यूशन ही पढ़ाता था, आज भी ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ। इसके बीच में मैं कई काम किया हूँ, मैं उनके बारे में नहीं बात करूँगा। तो उन सारे चीज़ों को मिला के और इसको मिला के मैंने जो एक्सपीरियंस गेन किया उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ कि दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है, कोई भी आसान काम नहीं है जिससे आप पैसा कमा सके। अगर कोई भी चीज़, कोई भी काम आसान है तो फिर वो काम नहीं, मतलब आप उससे पैसा अर्न नहीं कर सकते, और जिससे आप पैसा अर्न कर सकते हैं वो आसान नहीं हो सकता। ये दोनों चीज़ें आपस में रिलेट नहीं करता, आसान है तो काम नहीं है और काम है तो आसान नहीं है। एक्चुअली मैं बता दूं कि ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक मैंने क्यों रखा, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न ये है कि मुझे बहुत सारे कमेंट जो आते हैं तो बच्चे जो हैं उनका लोगो, उनका जो लोगो लगा रहता है वो गेम का लोगो लगा रहता है। इसका मतलब है कि बहुत सारे बच्चे चैनल चला रहे हैं, मतलब गेम का चैनल चला रहे हैं। आज कल के एंड्रॉयड मोबाइल में जो है बहुत सारे बच्चे गेम पे लगे रहते हैं। इसका फ़ायदा किसको मिलता है, जो गेम का वीडियो पहले से बना रहे हैं, जो अच्छा वीडियो बनाते हैं उनको बेहतर फ़ायदा मिलता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या है, गेम में बहुत ज़्यादा समय देते हैं। गेम का वीडियो जो होता है, मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन पता नहीं बच्चे लोग बोलते हैं कि ये बंदूक लेना है, वो कुछ पावर लेना है, इस तरह का उसमें कुछ होता होगा, उसके लिए कभी पैसा लगाते हैं, कभी स्टेज पार करना पड़ता है, इस स्टेज को पार करेंगे तो हमको ये चीज़ मिलेगा। तो उस स्टेज को पार करने के लिए कई सारे वीडियो बना के बच्चे हैं या कौन है पता नहीं, उन लोग बना के देते हैं और बच्चे लोग उस पर घंटों वीडियो को देखते हैं, सीखते हैं कि कैसे स्टेज को पार करना है। तो इस तरह से कई सारे लोग गेम का वीडियो बनाकर पैसा कमा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे अपना कई सारा चैनल बना लिए हैं। अब इतना सारा बच्चा हो गया, अब एक एक चैनल बना रहे हैं, तो कितना सारा गेम का चैनल हो गया, क्या सारे चैनल सक्सेसफुल होंगे? तो आप जितने भी स्टूडेंट हैं गेम का चैनल बना रहे हैं, चला रहे हैं, तो आसानी से ये सोचना कि पैसा कमा लेंगे, यूट्यूब से तुरंत पैसा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं कई सारा काम कर चुका हूँ इसीलिए मेरा एक्सपीरियंस है, और जहाँ तक मैं बतलाता हूँ इस बात को ध्यान से सुनिए। आप किसी भी लाइन में, किसी भी क्षेत्र में पैसा अर्न करने के लिए जाते हैं, आपको कम से कम 2 साल 3 साल इस तरह का जब तक आप समय नहीं देते हैं आपको पता नहीं चलेगा। किसी भी क्षेत्र में उसको समझना पड़ेगा, वहाँ कितने कंपटीटर हैं, आप उस क्षेत्र में किस जगह पे किस चीज़ में आप स्ट्रांग हैं, उस चीज़ को आप गेन करना होगा और उसमें आप अर्न कर सकते हैं। क्योंकि एक क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए कि ये पढ़ाई का क्षेत्र है, मैं एक टीचर हूँ, तो उस हिसाब से क्या मैं सारे सब्जेक्ट को एक बेहतर ढंग से जान सकता हूँ? नहीं जान सकता। कोई हिंदी का स्पेशलिस्ट हो गया, हिंदी पढ़ा रहा है, कोई मैथ हो गया, कोई इंग्लिश हो गया, तो सबका एक अलग सब्जेक्ट होता है जिसमें पकड़ ज़्यादा होता है। तो इस तरह से किसी भी क्षेत्र में आप जाते हैं, अब गेम चला रहे हैं, अब गेम के बारे में तो मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन आप वहाँ पे किस तरह से पैसा कमा सकेंगे, आपको कंपटीटर फेस करना होगा। सिर्फ आप नहीं बना रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे लोग जो है जो गेम में इंटरेस्टेड रखते हैं, सारे लोग उस तरह का चैनल बना के वो सोच रहे हैं कि पैसा कमा लेंगे आराम से। आराम से पैसा कोई नहीं कमा सकता। इतना समझ लीजिए कि आप 1,000 रुपया कमाने के लिए यहाँ पे जितना मेहनत कर रहे हैं, आप दूसरे क्षेत्र में कहीं भी जाएंगे तो वहाँ भी आपको 1,000 रुपया कमाने के लिए उतना ही मेहनत करना पड़ेगा।
पैसे कमाना कभी भी आसान ना था और ना ही कभी होगा। इसका बेहतर एग्जांपल आप चलते फिरते लाइफ में देख सकते हैं। कभी किसी को आप देखते हैं कि बाजार गया और जब वो पूछता है सब्जी का भाव, पूछता है कि ये चलो 40 रुपया है, 50 रुपया है, कभी बोलता है कि चलो 40 रुपया है, मैं 45 रुपया दूंगा, ऐसा कभी नहीं बोलता है। वो बोलता है मैं 5 रुपया और कम दूंगा, 10 रुपया और कम दूंगा, इस तरह से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पैसा अर्न करने में काफ़ी मेहनत लगता है, इसीलिए वो जानता है कितने मुश्किल से पैसे आते हैं, इसीलिए वो कम पैसा देना चाहता है। अगर इतनी आसानी से पैसे आते तो क्या बोलता? बोलता है 40 रुपया में दे रहा हूँ, मैं 45 रुपया दे रहा हूँ, आप दे दो इसको। ऐसा कभी नहीं होता। इसीलिए पैसे कमाना काफ़ी मुश्किल है, और किसी भी लाइन में आप, किसी भी लाइन में आप 2 से 3 साल जब तक उसमें लगाते नहीं हैं आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और फाइनली क्या होता है, इस तरह के बहुत सारे लोग आते हैं और फिर चले जाते हैं, यही होता है। जो रुकते हैं वहाँ पे जितनी भी परेशानियाँ आती है उसको फेस करके जो पार होता वही अर्न कर सकेगा, अदरवाइज दूसरा नहीं हो सकता। फिर वो भटकेंगे, यहाँ से वहाँ जाएंगे, फिर वहाँ से वहाँ जाएंगे, तो उस चक्कर में मत पड़िए। आप स्टूडेंट हैं, आप नॉलेज गेन कीजिए। मैंने बार बार आपको बोला है कि आपके पास नॉलेज होगा तो आपके पास पैसा खुद ब खुद आएगा। तो इसीलिए कम से कम आप लोग 10 क्लास तक जरूर पढ़ाई कर लें, उसके बाद इन चीज़ों के बारे में सोचें। तब तक आपका माइंड डेवलप हो जाएगा, आप खुद सोच सकते हैं अपने बारे में क्या अच्छा है क्या बुरा है। इस वीडियो में बेसिकली मैं यही बतलाना चाह रहा हूँ कि किसी भी तरीके से आप आसानी से पैसा नहीं कमा सकते। अगर आप गेम का चैनल बना के चला रहे हैं तो आपको वेट करना होगा, जितने भी चैलेंजेस आते हैं उसको फेस करना होगा। आपको कम से कम 2 साल 3 साल टिक के रहना पड़ेगा। आप अगर इतना कर सकते हैं तभी पैसा अर्न करने के बारे में आप सोच सकते हैं, अदरवाइज इतनी आसानी से 6 महीना 7 महीना काम किया और पैसा आने लगा, कभी नहीं होगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। कई बार लोग क्या करते हैं, इसको भी करते हैं इसको भी करते हैं, क्या होता है, दो पैर में नाव रखना। आप समझ सकते हैं, अगर दो पैर में नाव रखेगा तो क्या होगा, आदमी का जाएगा वो सीधा गड्ढे में। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आता है, मेरी बातें पसंद आता है जो मैं बतला रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि मैं करेक्ट बात बतला रहा हूँ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और इसी तरह का और कोई दूसरा टॉपिक लेकर मैं फिर से नेक्स्ट संडे में आप लोगों से मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।